नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश की सियासत चुनावों की घोषणा के बावजूद भी लगातार बदलती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा के खेमे में आए ओम प्रकाश राजभर के घर अब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रमाशंकर सिंह पहुंच गए और इसके बाद एक घंटे तक उनके बीच बातचीत हुई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस बैठक के बाद साफ तौर से कहा कि महज एक व्यक्तिगत मुलाकात थी, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे उनकी दोस्ती पुरानी है और इस वजह से पहले से ही मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन राजनीतिक मायना कुछ नहीं है, अगले सीएम अखिलेश यादव ही होंगे। लेकिन इस सफाई के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में इस तरह की बातें चल रही हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर फिर पाला बदलेंगे, क्या सपा को धोखा देके वापस भाजपा के खेमे में चले जाएंगे। इस बीच भाजपा के कुछ नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर वापस भाजपा के साथ आ जाएं, क्योंकि पूर्वांचल में भाजपा को अपना गणित बिगड़ता हुआ दिख रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वापस उनके साथ चुनाव से पहले खड़े हो जाएं, ताकि पूर्वांचल फतेह का जो भाजपा का प्लान है वो पूरा हो सके। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर का एक इंटरव्यू भी सामने आया है। इस मुलाकात के बाद दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले सीएम होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक अखिलेश यादव के साथ आने को बेताब हैं। और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और नेता परेड करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के नाराज विधायक पहले से इस बात की तैयारी में थे, लेकिन इंतजार इस बात का था कि कब चुनावों की घोषणा हो और वो भाजपा को झटका दे सकें। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ ऐसा होगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। जो भी हो, भले ही भाजपा के विधायक सपा के साथ आएं या फिर ओम प्रकाश राजभर पाला बदल लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होगी और अच्छे अच्छों को चौंकाने के लिए काफी होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत पर हमारी पैनी नजर है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया हलचल।